अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक और नाम है यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आप जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं तो वीडियो के ऊपर जो कवर होता है, यानी वीडियो के ऊपर एक इमेज लगी होती है जो आपको शानदार लगती है, वो इमेज कैसे बनाते हैं और वीडियो के लिए वो थंबनेल कैसे बनाते हैं, आज वो हम आपको सिखाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल ओपन होगी उस पर भी क्लिक करें ताकि हमारा हर नया वीडियो आपकी खिदमत में सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको लोगो पिट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दो सॉफ्टवेयर की मदद से हम थंबनेल बनाएंगे। अब हम टाइपिंग करेंगे या लोगो पिट LOGO PIT। बस अब ये जो सामने है उस पर क्लिक कर देंगे आप। अब मेरा ओपन दिखा रहा है इसलिए कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने नहीं किया तो इसको इंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद आप ओपन कर दीजिए। ओपन कर लिया मैंने। अब क्रिएट नेव पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने बहुत सारी आपको इमेजेस किस तरह लेना है वो तमाम कवर दिखा रहे, तो हमें YouTube थंबनेल लेना है इसलिए उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद बहुत सारी इमेज आपके सामने ओपन होगी। ये मैंने ले लिया है और उसके बाद उसको ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके हटा देता हूँ, लेकिन यही इमेज पूरी हटा देने वाला हूँ मैं क्योंकि ये इमेज अच्छी नहीं दिख रही। तो ये लोगो पिट के अंदर जो इमेज है वही इमेज लेना मैं पसंद करूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल की ले तो इस तरह आप ले सकते हैं। तो हम ये पहली वाली जो इमेज है जो हमने रखी उसको हटाकर लोगो पिट की ही हम इमेज लेंगे। अब वो हटा दिया है और अब हम वहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद उस पर यही इमेज रखने वाले हैं हम, और उसके बाद उसको डाउनलोडिंग कर लेंगे। आखिर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके डाउनलोडिंग कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। अब फोटेक्स के बारे में, फोटेक्स में जाएंगे, लेकिन पहले बता दूं कि हमने उसके बारे में फोटेक्स प्रो के बारे में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप जानते नहीं हैं तो पहले वो वीडियो देख ले और फोटेक्स प्रो को इंस्टॉल कर ले। तो हम फोटेक्स प्रो में गए और कोने वाले ऑप्शन में गए, वहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर गए और उसके बाद जो पिक्चर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक किया जो हमने अभी डाउनलोडिंग की थी लोगो पिट में से, और ये ऑप्शन पहली वाली जो इमेज उस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया, अब आ चुकी है और राइट पर निशान जो आपको सामने दिख रहा है उस पर क्लिक कर। अब उसके बाद लिखने वाला ऑप्शन जो आपको सामने दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ आप लिख देंगे जैसे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ YouTube वीडियोज के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। अपने मोबाइल से, मोबाइल से, और डन पर क्लिक कर देंगे। अब उसको नीचे खींच लेंगे, नीचे खींच कर थोड़े हुरूप बड़े करेंगे, पहले सेट करेंगे, उसका भी हमने वीडियो बना चुके हैं, थोड़ा बड़ा कर देंगे, बड़ा कर दिया हमने। और उसके बाद अब रंग करेंगे, रंग थोड़ा चेंज करेंगे जो रंग है,
काला रंग लेंगे पहले या लाल बना दिया, लाल के अंदर उसके बाद हम फिर से वो कोने के अंदर आपको ऑप्शन दिख रहा है थोड़ा लंबा करेंगे खींचेंगे, अब अच्छा दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है और डन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं नाज़रीन, अगर आपने नहीं जानते तो वो वीडियो देख लें। तो इस तरह अब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसी तरह आपके अपने कीबोर्ड निकालना है और यह लिखेंगे YouTube अब इस तरह आप लिखते जाएंगे और हिंदी आता जाएगा। YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं कि नीचे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। तो ये शिफ्ट कीबोर्ड का कमाल है, आप भी लिख सकते हैं इस तरह बनाते हैं और डन पर क्लिक कर देंगे और उसको नीचे ला देंगे और उसके अंदर उसको नीचे लाएंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो रंग है, ऊपर वाला जो हमने YouTube वीडियो जो उर्दू में लिखा है उसको बाद में नीचे करेंगे, हिंदी के अंदर जाएंगे फॉन्ट में और फिर ऊपर वाला फॉन्ट जो है उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये हो चुका है, अच्छा ये फॉन्ट बहुत अच्छा दिखता है इसलिए ये फॉन्ट आप भी यूज़ कीजिए। अब रंग करेंगे उसमें, पहले कालिया ले लेंगे और उसके बाद पीला लेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे, अब इस तरह हो जाएगा। तो नाज़रीन इस तरह आप बना दीजिए इमेज को और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यस कर लेंगे ताकि ये इमेज अच्छी तरह बन जाए। सेव पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये गैलरी में सेव हो चुके। अब हमें फिर से लोगो पीट के अंदर जाना पड़ेगा, वापस लोगो पिट के अंदर गए और वहाँ जो हमने पहले एक इमेज बनाई थी इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। YouTube थंबनेल पर क्लिक करेंगे और फिर बैक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो रंग का निशान है वहाँ क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके गैलरी में जाएंगे और आपको पहले वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आप इमेज पर क्लिक कर देंगे। अब उसको सेट करेंगे चारों तरफ से बराबर और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरह ये थंबनेल तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर हम कुछ और चीज़ डालना चाहते, मसलन हमारी यूट्यूब का जो लोगो है वो डालना चाहते ताकि इतना मालूम हो जाए कि हमारा ये चैनल मौजूद है लोगों को, तो ये थंबनेल हम लेंगे। कोने में आप देख सकते हैं तीन लाइनें हैं, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर फोटोज़ में जाना है। फोटोज़ में जाकर आप जाएंगे फोटो स्टूडियो में जाएंगे, जो नीचे मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिए और ये सॉफ्टवेयर का ख़जाना है उस पर क्लिक कर लेंगे और फिर उसको सेटिंग कर देंगे। आप भी इस तरह बनाए, एग्ज़ाम हमने दिया है, मिसाल दिए बनाने के, आप मुझसे भी बेहतर बना सकते हैं। तो नाज़रीन इस तरह आप बना सकते हैं। हमने अपना लोगो रख दिया जो हमारे YouTube का लोगो है और उसके बाद आप साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो सेव करने का ऑप्शन है, ये उस पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया और डाउनलोड GPG पर क्लिक कर देंगे आप और ये डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। आप क्लिक कर लिया और ये सेव हो गए। अब हम सीधे गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, नीचे जो आपको दिख रहे गैलरी वो ओपन हो रहा है। उसके बाद हम जो एल्बम है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है उस पर यानी पिक्चर के अंदर क्लिक करेंगे और ये इमेज पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं बेहतरीन इमेज बन चुकी है। तो नाज़रीन आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो आज हमने सीख लिया YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। नाज़रीन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल को ओपन कर लीजिए और ज़रूर लाइक करें, लाइक ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम।